भोजपुरी साहित्य सम्मेलन जिसकी आगाज शंखनाद हो चुकी है और भोजपुरी इतिहास सभ्यता संस्कृति पिक्चर और कलाकृति का वह प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। देश के नामी कलाकार पिक्चर बनाने वाले डायरेक्टर एक्टर और यहाँ तक कि आप विश्वास कीजिएगा जो देशभक्ति के अच्छे पिक्चर बनाने वाले भी यहाँ पर हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपके आपका अपना एडी लाइव। रामेश्वर भोजपुरी जिनका नाम ही है रामेश्वर भोजपुरी, जिन्होंने 30 पिक्चर बनाए हैं जिसमें से रीजनल नेशनल और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भारतीयों का दिल जीतने वाला वह देशभक्ति पिक्चर बना है। तो रामेश्वर भोजपुरी जी आज हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं और हमारे जमशेदपुर में आपका स्वागत करते हैं, हमारे एडी लाइव चैनल में भी आपका स्वागत करते हैं कि आप महान कलाकार हैं जो देश को बांधने के लिए, देश को देशभक्ति की सोच रखने के लिए आपने देशभक्ति का पिक्चर बनाया है। और 26 जनवरी आ रहा है और हमारे देश के लिए आप दो शब्द जरूर बोलिए, फिर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैं रामेश्वर भोजपुरी, आप सभी भोजपुरी दर्शक, भारतवर्ष के सारे दर्शक को नमन करता हूँ। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि मेरे जैसा तुच्छ कलाकार को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। कला मेरी पेशा है, कला मेरी रग रग में है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आरा का रहने वाला हूँ और खांटी भोजपुरिया। मैं पंजाब जाकर भोजपुरी कला परिषद संस्था का निर्माण किया, वहाँ मैंने नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर से मैंने ट्रेनिंग की और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा मुझे कुछ ज्ञान मिला। राज बब्बर जी हमारे गुरु भाई हैं और वो माननीय हरपाल टिवाना जी के शिष्य रहे हैं। ओम पुरी जी भी हमारे सीनियर हैं। महाभारत का धृतराष्ट्र जो है गिरिजाशंकर जी हैं। मैं अजमेर पटियाला थिएटर को बार बार नमन करता हूँ कि जो मुझे आज उनके अथक प्रयास से मुझे आज मैं भारतीय रेल में मुझे वहाँ नौकरी भी मिली। और मैं एक सोच के रखता हूँ कि मुझे करना है तो करना है, मैं भोजपुरी के लिए समर्पित हूँ। मैं एक छोटा सा रोल करके, मेरी एक सपना थी कि मुझे भी कोई सिनेमा में देखा जाए, तो आप लोग की आशीर्वाद से मैंने शहीद ऊधम सिंह पिक्चर जो राज बब्बर कृत है उसमें एक छोटा सा करेक्टर मेरा था और इसके बावजूद मेरी सपना था कि भाई मैं भोजपुरी कल्चर के लिए कुछ करूं। तो सास रानी बहुनों का रानी चैलेंज पवन सिंह का जो बहुत सुपरहिट पिक्चर बना और मुन्नी भाई नौटंकी वाली रानी चटर्जी जब हिटेड थी उस वक्त वो पिक्चर का नाम था, वैसे माटी पिक्चर रवि किशन जी का, बहुत ऐसे पिक्चर है जिसे नाम नहीं गिनवा सकते हैं, मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन 5 सम्मेलनों में काम कर चुका हूँ, अभिनय भी किया और मुझे बहुत खुशी की बात है सर कि मुझे विश्व भोजपुरी सम्मेलन जो 2000 में हुआ था मलंगकार हॉल में, उसी वक्त कारगिल लड़ाई हुई थी तो मैं पटियाला में था, तो मैं अपनी पूरी टीम के लेकर जसवा कलाज नाटक लाया था। लोग कहते हैं कि भाई आप भोजपुरी क्यों बोलते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं बोलूँ भाई, जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा करके मुझे आगे क्यों लिया, जिस माँ मैं उस माँ को धन्यवाद करता हूँ कि वो माँ ने मुझे इतना बड़ा किया और मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं गर्व करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की शूटिंग विदेश में होती है। आप जानते होंगे कि भोजपुरी में काम करने वालों को हिंदी पिक्चर नहीं मिला जिसमें कुणाल जी भी शामिल हैं, लेकिन 2003 से मनोज तिवारी, रवि किशन जी, अनेकानेक कलाकारों ने, अभय सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नन्हे पांडे को दूंगा कि लोगों को अथक प्रयास से भोजपुरी की शूटिंग आज विदेशों में होती है, विदेशों में होती है। और आज गौरवान्वित करता हूँ कि आपका वो भोजपुरी नहीं रह गया, आज मॉरिशस में पढ़ाई होती है भोजपुरी की। आज हम बिहार सरकार से, भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको कम से कम अनुच्छेद 8 में इसको जोड़ा जाए। अभी तक हमें दुख है कि बहुत सरकारों ने हमें प्रलोभन दिया कि यहाँ भाई सिनेमा झारखंड में बनाया जाएगा, बिहार में बनाया जाएगा,
अगर यहाँ भोजपुरी सिनेमा है बनाया जाता तो हम बहुत लोगों को काम मिलता, हमें बम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके पास पैसे नहीं वो भी आज काम कर सकते थे। हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे भाई? सर बहुत ही दर्द आप बोल रहे हैं और लेकिन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी बोल रहे हैं कि भोजपुरी आज इंडस्ट्री उतनी बड़ी हो चुकी कि विदेश में शूटिंग हो रही। अभी के बच्चे जो पिक्चर बना रहे हैं, एक कंप्लेन रहता है भोजपुरी में कि बहुत अश्लील रहता है, क्योंकि भोजपुरी जो गाना है वो फैमिली के साथ नहीं देखे जाते, इसके लिए क्या काम हो रहा है? सर ये बहुत दुखद बात है, जिन कलाकारों ने अगर इस तरह की गाया है, फिल्मों में तो बहुत कम इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार जिसके हम नाम नहीं लेंगे, मुझे दुख होता है कि जातिवाद पर बल्गर गाने जिसका द्व्यर्थ जो होता है, हम एक कलाकार होकर मैं खुद उस गाने को मैं नहीं सुन पाता हूँ। और इस पर एक्शन होना चाहिए, जो हमारे जितनी भी संस्थाएँ हैं वो आगे आए, सरकार को भी एक्शन होना चाहिए कि जब तक अच्छा नहीं हो तो उसको पास नहीं करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। और एक मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं जनता जनार्दन से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो अच्छा गाना है उसको सुनिए, अच्छा सुनिएगा तो अच्छे कलाकार आगे आएंगे। अगर आप खुद बलगर सुनना शुरू करेंगे तो बेचारा क्या करेगा? सही बात है, जनता को सूचना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने क्या क्या पिक्चर किया है? सर मैंने चैलेंज किया भोजपुरी में जो अधिक हिट रहा। जी भोजपुरी का सबसे सर्वाधिक पिक्चर जो था, जो चैलेंज जो 2017 में बना था, वो बहुत काफ़ी अवार्ड ले चुका है। अभय सिन्हा उसका प्रोड्यूसर थे, नन्हे पांडे उसका राइटर थे। इसके बाद में मुन्नी भाई नौटंकी वाली रानी चटर्जी की, रवि किशन की जो पिक्चर जो थी माटी, उसमें मैं काम कर चुका हूँ। दो पार्ट बना था मुंबई में, तो दोनों पार्ट मुझे काम करने का मिला। और सास रानी बहु नौकरानी हो गई, और दो चार दस पिक्चर जो हैं हमारे जो है लाइनअप में है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि शहीद उधम सिंह जो उस वक्त का है कि जो जलियांवाला बाग में मारने के बाद में उधम सिंह ने जाकर वहाँ बम फेंकता है विदेशों में जाके, और उस पिक्चर में, और सर अब देखिएगा तो राष्ट्रभक्ति पिक्चर है, वही भगत सिंह का करैक्टर दिखाया गया है। आपका इसमें क्या रोल था? मैं सर क्रांतिकारी होता हूँ। रखिए ना, मैं उसमें क्रांतिकारी होता हूँ सर। डॉक्टर किचलू के साथ हम लोग होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, अंग्रेजी शासन का हम लोग विरुद्ध काम करते हैं सर। अच्छा एक चीज बताइए, आगामी आपको किस पिक्चर में रोल करने की अधिक जरूरत है, देशभक्ति, पैसा या गैम्बलर? नहीं सर, पैसे से संस्कृति खराब हो जाती है। अगर भोजपुरी में अभी तक देशभक्ति पिक्चर नहीं बनी है, मैं एक चंपारण सत्याग्रह आंदोलन मैंने मुहूर्त किया था कुछ ऐसे कारणों से, जैसे माधुरी दीक्षित और ये शत्रुघ्न सिन्हा की भी बातें हुई थी, कुणाल जी से मेरी बात हुई, तो कुणाल जी ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। उस वक्त कोरोना आ गया और कोरोना में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, कलाकार कुछ डेथ कर गए, हमारे प्रोड्यूसर कुछ हो गए, डॉक्टर बीके राय हैं, नन्हे पांडे जी थे, हमारे बिहार के काफ़ी लोग, जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था राजकुमार शुक्लोला, तो मैं पुनः उसको फिर मैं करने के लिए कर रहा हूँ कि वो पिक्चर हमारी बन जाए, क्योंकि भोजपुरी में देशभक्ति पिक्चर नहीं बनी है, और मैं मेरी प्रयास है कि उस पिक्चर को मैं किसी तरह से संपन्न करूँ। गंगा जल प्रकाश झा की पिक्चर, जी वो बहुत ही पिक्चर अच्छा था, और वो भी भोजपुरी के ही, प्रकाश झा बिहार से ही बिलोंग रखते हैं तो भोजपुरी ही बोला जाए उनको, और उतनी अच्छी पिक्चर जो नेशनल अवार्ड से सम्मानित, इतना अच्छा उनका एक्टिंग, इतना अच्छा मतलब हर चीज अच्छा जी, था जी, जी, जी। क्या ऐसा पिक्चर के लिए कोई बिहार में या भोजपुरी में कोई ऐसी डायरेक्टर है? देखिए सर, यहाँ डायरेक्टर की और एक्टर की कमी नहीं है, यहाँ है कि कोई फाइनेंस करने वाला हो, उसको उसाने वाला हो, चाहे वो सरकार हो या फाइनेंसर हो, वैसे कोई बात नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छे से एक्टर हैं, बहुत अच्छे से डायरेक्टर हैं, आप देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, ना उनके पास पैसे हैं। चलिए अभी सर एक चीज़ और बताइए कि आपके पास जितने नॉलेज है, और भोजपुरी के लिए अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई भोजपुरी के लिए गाना बनाना चाहे, कोई भोजपुरी के लिए पिक्चर बनाना चाहे, तो उनको क्या सर आप गाइडलाइंस दीजिएगा, दिशा निर्देश दीजिएगा? बिल्कुल सर, अगर हमारी मातृभाषा आगे बढ़ रही है, भोजपुरी भाषा आगे बढ़ रही है, अगर उसकी उत्थान की ओर है, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भाई डायरेक्ट दरवाज़ा से आइए, पीछे के दरवाज़ा से मत आइए, आप रातों रात महान नहीं बनिए, उसमें ऐसा देखें कि भोजपुरी कल्चर दिखाई दे,
भोजपुरी कल्चर दिखाई दिए। ये बताइए, मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत लोगों के देखे होंगे, कहाँ की न्याय है कि हमारी बच्चियाँ जो है ठेवना से नीचे ऊपर जो है पनती है, लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड के देखकर हम नकल करते हैं। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अगर मैं इसका बिजनेस करूँगा तो काम भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी करेक्टर मैंने किया, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, अब चैलेंज देखिए, मैं एक ईमानदार आई एस अफसर का करेक्टर क्या हूँ, जो पवन सिंह के बाप मैं सिक्योरिटी में होता हूँ, वो हरवा देता है उस गुंडा को, कहीं ऐसा गुंडागर्दी न पैदा हो जाए, और उसके बदल पर जो पैसा देता है किडनैप किया था और मुझे मर्डर कर दिया था, मैं वो करेक्टर है। मैं एक मास्टर का करेक्टर किया था मऊ में, मऊ में हीरोइन के बाप थी, और वो कहता है कि भाई अपने खैर चाहता है, बेटी की शादी करना चाहता है, बेटी के लिए जीना चाहता है, तो ये जो ज़मीन हमें दे दी है, बोला कि सारा दे सकता हूँ, माँ को नहीं बेचूँगा, अब मैं टीचर हूँ, अगर मैं एक आईएस पैदा करता हूँ तो मैं एक गुंडा भी वहीं पैदा करता हूँ, और मौत से किसका यारी है, आज हमारा पारी था कल तुम्हारा पारी, देखो भाई पारा पारी। वो पिक्चर रिलीज होने वाला है, कब तक रिलीज हो जाएगा सर, ये तो प्रोड्यूसर ही बता पाएंगे, ये पिक्चर बन चुकी है, बहुत बड़ा पिक्चर है ये, और मैं उस करेक्टर से इतना सेटिस्फाई में हूँ, मुझे किडनैप होता है, मुझे गर्दन काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, लेकिन वो आदमी झुकता नहीं है, वो करेक्टर मेरे पास है। एक करेक्टर पर फिल्म किया था बिंदिया तोहरे नाम का, उसमें भी मैं हीरो का बाप था, वैसा इंस्पेक्टर, वैसा इंस्पेक्टर कि एक अपराधी को अपने घर में पनाह देता है और उस बच्चे को सुधार देता है, और वो लड़का उस जब उसकी बेटा इंस्पेक्टर बन के उसी थाना में आता है तो कहता कि जब बेटा बड़ा हो, जब कंधा में कंधा जब चलता है तो बाप का कलेजा फूल जाता है। वो पिक्चर का रिलीज सर हो जाए ना, वो मतलब का हीरो उसको समझ लीजिए, मैं हीरोइन का हीरो का बाप हूँ, दो बेटा होता है, वो नालायक बेटा था और ही बेटा इंस्पेक्टर बन के आता है, हीरोइन एक का दोनों प्यार करना शुरू करता है। चलिए बहुत अच्छा सर, आपका आप एक्टिंग करते हैं कि डायरेक्टर करते हैं कि क्या करते हैं, आपका मेन रोल क्या चीज है जिसमें? अभिनय करता हूँ सर, मैं अभिनय, जी जी। अच्छा सर, डायरेक्शन भी मैं किया हूँ। हाँ। एक मेरा टेलीविजन का पिक्चर था उजाले की ओर, उसमें मैं किया था, उसमें पटियाला का सीनियर मोस्ट एक्टर रंगमंच का, उनके साथ में किया था। चलिए एक चीज, एक अच्छा सा देशभक्ति का जो उधम सिंह में आपने किया है, एक देशभक्ति का कुछ डायलेक्ट बताइए सर। मैं उसमें कहूँ, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत माता की जय, अब तुम्हारी ये गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी, अंग्रेज वापस जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मेरा एक चैलेंज में था अभी, और यही चीज को आप भोजपुरी में बोल दीजिए, अंग्रेज तू जितना जल्दी हो के यहां से जल्दी दौड़ जा, ये भोजपुरी यानी भारत माता तोरे का बर्दाश्त ना करी, चल जा यहां से, तोरे का स्वीकार नहीं छे, ये भारत भूमि है, ये तोर बाप का ना है, चल जल्दी दौड़ यहां से। एक्टर जिनकी काबिलियत, जिनका जोश और जिनका कॉन्फिडेंस देखकर बड़े बड़े संस्था भी नतमस्तक हो जाते हैं और इनको नौकरी में रखा जाता है, और जो टैलेंट की कमी है, टैलेंट मतलब ऐसा भरा हुआ है कि बस एक डायरेक्टर का क्या है, प्रोड्यूसर वो भी इनके कदम चूमेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स जरूर बताइए कि हम इसको और अच्छा कर सके। नमस्कार, जोहार, मैं दिनेश श्रीवास्तव।